फ्रेंड्स स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है रियलमी यू वन। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि फ्रेंड पावर बटन कॉल को कैसे इनेबल करें। तो आज की वीडियो हम यही सीखेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में आप जो है पावर एंड बटन कॉल को इनेबल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स को कर लेना है ओपन। और सेटिंग्स को आपको ओपन करने के बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अब जो है आपको इसमें क्या करना है, आपको सबसे टॉप में आपको सेटिंग्स को करना है ओपन। तो मैं सेटिंग्स को आपको ओपन करने के बाद जो है आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब सबसे टॉप में जो है सर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर लिख देना है सर सेटिंग्स में पावर बटन। तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, आपको जो है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे देखने को मिल जाता है पावर बटन एंड कॉल। तो इसे कर लेना है इनेबल। इनेबल करने के बाद जो है आप इसी तरह से इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में पावर बटन एंड कॉल का सर्च सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं है तो उसके लिए क्या करें, आपको जाना है बैक। और बैक जाने के बाद जो है आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स के बाद जो है आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप जो ये देख सकते हैं पावर बटन एंड कॉल लिखा हुआ है, इसे आपको यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में आप इसी तरह से पावर बटन एंड कॉल को इनेबल कर सकते हैं अगर आपके। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।